देख सकते हैं आज दीपावली का दिन है और यहाँ मिट्टी की दिया बनाया जा रहा है। और अभी इस संबंध में हम महिलाओं से जानकारी लेंगे कि आखिर में ये मिट्टी का ही दिया क्यों बनाते हैं और इनके मतलब इस दीपावली में क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, ये मतलब इनसे बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले तो इन लोगों का मैं परिचय जानना चाहूँगा। आपका क्या नाम है चाची? मैं सोरी देवी। आपका क्या नाम है? नागा देवी। आपका क्या नाम है? अखिला कुमारी। आपका क्या नाम है? आपका? प्रेमलता कुमारी। आपका नाम? सीता देवी। अच्छा, तो ये जो आप लोग बना रहे हैं ये काफी खूबसूरत दिया आप लोग देख सकते हैं कि काफी खूबसूरत दिया जो है और मिट्टी का ही बन रहा है और खूब फ्रेंडली भी है। मतलब दीपावली मनाने के बाद से ऑलरेडी ये ख़त्म भी हो जाएगा, मतलब इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और ये मिट्टी भी कोई मतलब आम मिट्टी नहीं है, ये मिट्टी है, यह किसी भी तरह का बन जाएगा, कोई भी हम बना सकते हैं इस मिट्टी से। तो इसके बारे में आपसे जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? तो आज ये जो है दीपावली का त्यौहार है, तो आप लोग ये मिट्टी कब से बनाते हैं? मिट्टी का जो ये दिया है आप लोग कब से बनाते हैं? मिट्टी का जो ये दिया है हमारे पूर्वजों से बहुत हमारे जो परंपरा है मिट्टी का दिया पहले से बनते आ रहा है और वही प्रचलन हम आज तक भी मनाते आ रहे हैं और आगे भी इसको मनाते रहेंगे। तो मिट्टी का दिया इसलिए बनाते हैं है। अच्छा, ये जो है अगर आप लोगों का ये जो है मैं देखा हूँ कि ये सूखने के बाद क्या बाल धोने का काम आ जाएगा क्या? अच्छा, शैम्पू की तरह इसका भी उपयोग किया जा सकता है? शैम्पू का तो यूज किया जाता था पहले, लेकिन अब नहीं। अच्छा, पहले के जमाने में मिट्टी से ही बालों को धोया जाता था, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज बताइए, आप लोग थारू जनजाति से हैं, तो दीपावली को आप लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं? दीपावली को हम लोग अपने भाषा में दियराई बोलते हैं। अच्छा, दियराई। तो ये दिया आप लोग कहाँ कहाँ बांधते हैं, जलाते हैं? दिया हम लोग पहले मतलब सबसे पहले अपने कुलदेवी के स्थान में जलाते हैं, उसके बाद हम लोग बथान में जलाते हैं, उसके बाद चंडी में, इनार में, कल के पास, और उसके बाद हम लोग तो आदिवासी पहले से मतलब प्राकृतिक का पूजा करते हैं, तो पीपल के पेड़ के पास, बरगद के पेड़ के पास हम लोग जलाते हैं। और ये जो है आप लोगों का जो है दीपावली के अगले दिन भी क्या कोई कार्यक्रम होता है क्या? दीपावली के अगले दिन हम लोग सोहराई मनाते हैं। उसमें क्या होता है? उसमें होता है कि हम लोग पशुओं को सजाते हैं, मिट्टी और हल्दी खाते बनाते हैं, रंगोली से मतलब पूरे बड़ी में रंगोली बनाते हैं, उसके बाद उसको कोहरा या दूसरा उसमें गुड़ डालकर उसको खिलाया जाता है, उसके बाद हम लोग पीठा बनाते हैं। अच्छा, पीठा जो है पीठा बनता है, तो पीठा को क्या करते हैं? पीठा अपना चावल का आटा पीठा बनाते हैं, उसके बाद पीठा बनाते हैं, पीठा में मीठा डालकर उसमें पीठा बनाया जाता है और अपने मित्रों में बांटा जाता है। अच्छा, सगे संबंधियों में भी या जो भी उसको पीठा बोलते हैं पीठा को खिलाया जाता है। और फिर से आप लोगों का जो मतलब ये सोहराई के दिन और क्या होता है? अच्छा, कहा जाता है कि उस दिन आप लोग जो है सोहराई के दिन पशुओं को कोई काम नहीं लेते हैं, उस दिन आराम करते हैं, क्या सही बात है? पशु से कोई काम नहीं कराया जाता है, पशु को भी मतलब एक पूजा की तरह पूजा जाता है। तो
अभी आप देख सकते हैं कि दीपावली आज है और ये महिलाएं दीपावली में दिया जलाने की तैयारी कर रही हैं और अपने हाथों से कितनी मिट्टी से दिया का निर्माण कर रही हैं और बहुत ही अच्छा जानकारी दी हैं। और ये हरवंश की हरू समाज की आदिवासी महिला हैं। और कितना पढ़े लिखे हैं आप? ये ग्रेजुएट हैं। तो पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी शहरों में इन्होंने पढ़ाई लिखाई पूरा किया है, इसके बावजूद भी ये जो है अपने संस्कृति को बचाए रखा है। और ये लोग देखिए छोटे छोटे बच्चियाँ भी निपुण हैं, बनाने में महारत हासिल है उनको, एकदम सही ढंग से बना रही हैं। और ये लोग इसलिए मिट्टी का दिया भी बनाते हैं कि ये मिट्टी का दिया अगर सूखता है तो फिर ये लोग उपयोग में ले लेते हैं। तो आप देख रहे हैं बजट बात न्यूज, मैं हूँ धर्मजीत महतो, धन्यवाद।